हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे बोलो हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि
परमानंदे हरे कृष्ण। अखिलेश प्रभु जी आप इनको ट्रांसलेशन कर। हरे कृष्ण। आप लोग अब सामने आ जाओ प्रभु, आप सामने आ। ये अंग्रेजी लोग पीछे बैठे हुए थे, ट्रांसलेशन सुनेंगे। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरामधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः नमः। प्रभु लोग कुछ लास्ट बोल रहे थे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलंबितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तने कवितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वृंदाये तुलसी देव्य प्रिया हरि केशवस्य च कृष्ण भक्ति व्रज देवी सत्यवती नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर्शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर्शत श्री श्री श्रीमद भक्ति विदान श्रील नारायण गोस्वामी महाराज भक्ति विदान श्रील स्वामी महाराज श्रील गौर गोविंद गोस्वामी महाराज भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज अन्य अन्य समस्त वैष्णव वैष्णवियों के चरण में यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग गतकल श्रवण कर रहे थे श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी जब श्री चैतन्य महाप्रभु का चरण में आए तो उन्होंने दांत में त्रिनिका को दबाते हुए महाप्रभु के चरण में प्रणाम किया। जब प्रणाम किया बोले प्रभु हम तो नीच जात में हमारे जन्म हुआ है और हमने नीच कर्म किया है क्योंकि मुसलमान गांव में वो नौकरी करते थे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी। लेकिन महाप्रभु क्या बताए बोले नहीं तुम नीच नहीं तुम सर्वतम हो। बोले क्यों? बोले तुम्हारी जो जिह्वा में जो कृष्ण नाम कीर्तन कर रहा है कभी साधारण व्यक्ति भगवत नाम को उच्चारण कर नहीं सकता है। इसलिए गत गल हम सुन रहे थे स्वयं भगवान कपिल देव अपना माँ को कहते बोले माँ पूर्व जन्म में जो चार काम करके आया है तभी इसी जीवन में तभी उसका जीवा में भगवत नाम उच्चारण होता है। चार काम क्या है किसको किसको याद है? चार काम क्या करके आए पहला तो क्या काम? सारे तीर्थों को जाकर आए। जगत में कितना तीर्थ है? 600 करोड़। 600 करोड़। इसलिए पूर्व जन्म में जिसने 600 करोड़ तीर्थ में जो स्नान किया है पहला। दूसरा क्या था बोला बोला बताओ क्या तुम बताओ
सारे यज्ञ करे, अश्वमेध यज्ञ और जितने बड़े बड़े यज्ञ है सारे करने, सारे यज्ञ जो करके आए। तीसरा काम क्या है? सारा दान तुमने कर लिया, जगत में होना चाहिए सब। और क्या क्या? अब जितने सारे तपस्या, इसलिए भगवान कपिल देव अपना माफ कहते हैं, बोले भैया पूर्व जन्म में जितने सारे ये चार कर्म जो करके पहले जन्म में आए हैं, तभी इसके जीवा में ये कृष्ण कीर्तन है, तभी ये कृष्ण नाम कोई कर सकता है, नहीं तो ये कृष्ण नाम सभी नहीं कर सकते हैं। कृष्ण नाम को सब नहीं कर सकते हैं, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भले ही जितने निकृष्ट कुल में जन्म क्यों नहीं हो, वो चंडाल क्यों नहीं हो, कुत्ते का मांस खाने वाले क्यों नहीं हो, लेकिन अगर भगवान का कीर्तन करता है वो सर्वोत्तम व्यक्ति है। लेकिन वो जितने उच्च कुल में क्यों जन्म नहीं हो, लेकिन जिसके जीवा में भगवान का नाम उच्चारण नहीं होता है, इसलिए प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, बोले विप्रात तू ईश्वर गुण जूत अरविंद नाभ पद अरविंदात विमुखात स्वपचम वरिष्ठ। प्रहलाद महाराज भगवान को स्तुति में कहते हैं कि ब्राह्मण का 12 गुण होता है, ब्राह्मण का 12 गुण, अभी तो एक गुण भी मिलना कठिन है, जो ब्राह्मण का जो 12 गुण बताए सम दम तितिक्षा ये सब गुण होता है, लेकिन एक गुण भी मिलना ब्राह्मण में कठिन है। लेकिन यहाँ प्रहलाद महाराज कहते हैं भले किसी ब्राह्मण का अंदर में ये 12 गुण क्यों नहीं हो, वो 12 गुण क्यों नहीं हो, लेकिन अरविंद नाभ पदारविंदात स्वपचम वरिष्ठम, अगर कोई भगवान की भक्ति नहीं करता है, भगवान को भजन नहीं करता है, उससे एक चंडाल भी श्रेष्ठ है, एक चंडाल भी श्रेष्ठ है। बोले क्यों? बोले वो जो ब्राह्मण है 12 गुण युक्त ब्राह्मण है, वो दूसरों को क्या कल्याण, अपना ही कल्याण नहीं कर सकता है, लेकिन जो चंडाल कुल में क्यों जन्म नहीं ग्रहण करे, लेकिन अगर प्रभु की भक्ति करता है वो खुद तो उद्धार होगा ही, और उसको साथ साथ में त्रि सप्त भी पिता भूत, ये प्रहलाद भगवान नरसिंह तो कह रहे हैं, जो प्रहलाद महाराज बोले बर मांगो हमें, प्रहलाद ने कहा प्रभु जी मेरे पिताजी बड़े दुष्ट थे हिरण्यकश्यप, आप पिताजी उद्धार कर दो, इनकी उद्धार कर दो, बड़े दुष्ट थे क्योंकि संतों को और आपको उन्होंने ईर्ष्या द्वेष किया सताया। लेकिन उसी समय भगवान नरसिंहदेव क्या कहते हैं, बोले तुम्हारी पिताजी का नाम क्यों बता रहे हो, बोले त्रि सप्त भी पिता पुत, मतलब तुम्हारी 21 पीढ़ी उद्धार हो गई है, कहते अगर कोई उत्तम वैष्णव हो उसका 21 पीढ़ी उद्धार हो जाते हैं, जो मध्यम वैष्णव है उनको 14 पीढ़ी उधार होते हैं, और जो कनिष्ठ भक्त है उनको 7 पीढ़ी उधार हो जाते हैं, और प्रहलाद महाराज तो महाभागवत है, ये महाभागवत बोले तुम्हारी तो 21 पीढ़ी उधार होगी। लेकिन श्री वृंदावन दास ठाकुर क्या कहते हैं, वो तो बहुत बड़ी बात कहते हैं, जिस समय श्री विश्वरूप संन्यास लेकर जा रहा है, महाप्रभु का जो बड़े भाई जब संन्यास लेकर जा रहे हैं, वहां पर बताए के तहार प्रभावे कोटि योजन निस्तारे हैं, इसलिए जहां पर एक शुद्ध भक्त जन्म ग्रहण कर ले के तो उसकी प्रभाव से करोड़ों योजन तो कल्याण हो जाते हैं, और त्रिकोटि कुले रहे श्री वैकुंठवास। वृंदावन दास ठाकुर कहते 3 करोड़ जो वंशज है उनको भगवत लोक में वास हो जाता है, जिस वंश में एक वैष्णव जन्म ग्रहण करे, एक भक्ति करने वाले जन्म ग्रहण करे। इसलिए पुराण में बताए जब वो संत ऐसे हाथ उठा करके नृत्य करता है तो स्वर्ग में देवता का कल्याण हो जाता है, स्वर्ग में देवता का कल्याण हो जाता है, और वो जो अपना दृष्टि से जितना दूर तक तो उनको दृष्टि जाती है, नजर जाती है, उतना दूर तो कोई दुर्भिक्ष दुख कष्ट कुछ भी नहीं रह सकता है। और जब नृत्य करते हैं कृष्ण प्रेम में, उनके चरण स्पर्श पा करके ये पृथ्वी भी अपने आप को धन्य मानती है, और वो भाग्य है, एक संत मेरे कोख से जन्म हुआ है, एक साधु मेरे कोख से जन्म हुआ है, कितना प्रभाव है एक वैष्णव जन्म ग्रहण करने का, एक वैष्णव जन्म ग्रहण करने का। इसलिए शास्त्र में बताए बोले कुलम पवित्रम जननी कृतार्था
वसुंधरा वसतिश्च धन्या नृत्यन्ति स्वर्गे पितरि पितरेषां जेषां कुले वैष्णव नाम धेय। यहाँ पर बताए जिस कुल में एक वैष्णव पुत्र जन्म ग्रहण करता है, बोले कुलम पवित्र, उसका कुल पवित्र हो जाता है। बोले जननी या माँ के नाम आया है, जो माता जी पुत्र को अपना गर्भ में धारण करती हैं, उसका कोप भी धन्य हो जाती है। हैं? हमारे देश में जैसे कोई वृक्ष होता था ना, जो कोई फल हो, वो फल जब ठाकुर का सेवा में लगे तभी तो वृक्ष की सार्थकता है ना, जब ठाकुर का सेवा में लगे तभी वृक्ष का सार्थकता है। इसलिए माँ की फल क्या है, संतान है, माँ की फल संतान है, लेकिन वो संतान जब कृष्ण सेवा में लग जाती है कहते तभी वो वृक्ष की सार्थकता है। अगर भगवान की सेवा में अगर वो संतान नहीं लगता है, सुमित्रा कहती है पुत्रवती जुवती जगत सोई रघुपति भक्ति जासुसुत होई। जब सीताराम वनवास जा रहे थे, लक्ष्मण अपना माँ को पास में आई, बोले मैया मेरे को आदेश दे दे, भाभी भैया की सेवा के लिए जाओ। सुमित्रा इतने खुश हो गई, बोला आज तेरे जैसे बेटे को जन्म दे करके मैं गर्भ धारण करती हूँ, मैं मेरे अंदर में गर्व आ रही है। बोले क्या है, कहते कम से कम मेरा बेटा तो भगवान की सेवा में लग गया है। इसलिए कहते पुत्रवती जुवती जगत सोई, मतलब उसी जगत में उसी को पुत्र जन्म देना सार्थकता है। बोले किसको, बोले रघुपति भक्ति जासुसुत, जिसका संतान रघुपति भक्ति भगवान की भक्ति कर। दूसरे लाइन में कहती है कहते अगर भगवान के भजन में बच्चों को नहीं लगा पाए, दूसरे लाइन में कहती है कहती वो माँ को बांझ रहना सही था। वहां पर कहती है माँ को बांझ रहना सही था, बोले पुत्र जन्म क्यों दोगे, जन्म देकर क्या होगा, किस लिए जन्म दोगे हैं? अगर बच्चा अगर कोई दुष्कर्म करता है उसका फल भी पिता माता को भोगना पड़ता है। बच्चा अगर कोई दुष्कर्म करते हैं उसका फल भी पिता माता को भोगना पड़ता है। इसलिए माता सुमित्रा कहती है तभी बच्चे जन्म दो जब बच्चे को भगवान के भजन में लगा पाओगे, नहीं तो मना कर देती, बच्चे जन्म मत दिया करो, मना कर देती है। इसलिए यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं महाप्रभु, प्रहलाद महाराज कहते थे विप्राद दुई सड़ गुण जूत, भले ही द्वादश गुण क्यों नहीं हो, भगवान की भक्ति अगर नहीं किया तो कहते जीवन बेकार है। लेकिन अगर जो चंडाल होकर के जो भक्ति करता है, चंडाल होकर भी अगर कोई भक्ति करता है वो अपना तो उद्धार होगा ही, और उसको सारे परंपरा को उद्धार कर लेते हैं, सारे परंपरा। आप लोग गुजरात से ना, तुम से कहा कौन कौन गुजरात गए हो, आप लोग से गुजरात है, आप लोग पद्म पुराण पढ़ कर देखे ना, भक्ति देवी स्वयं कहती है बोले उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धि करना टके गता कुचित कुचित महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता। जब नारद जी वृंदावन में आए, वहां पर देखा एकदम जमुना किनारे में एक युवती बैठी हुई, दोनों साइड में दो वृद्ध पुत्र लेटे हुए, कुछ सखियां उनको चामर भजन कर रही थी, कुछ सेवा कर रही थी। जब नारद जी वहां पर पहुंचे तब इतने में सोच रहे थे कोई सत्संग होगा, बोले सत्संग नहीं हो तो रोना धोना है। नारद तो वहां से भगे, इतने में भक्ति देवी कहती है बोले भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, बाबा थोड़ी से रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो। इतने में बोले तुम कौन हो, बोले मेरी भक्ति है। बोले ये दोनों बच्चे कौन है, बोले मेरे बेटे हैं। बोले ये क्या हो गया, ये क्या है। तब भक्ति कहते हैं बोले बच्चा उत्पन्ना द्रविड़ी सा, मेरी जन्म तो द्रविड़ी देश में, वृद्धि कर्नाटक का, कर्नाटक में जब गई मेरे को आदर करने वाले कुछ लोग मिले हैं कर्नाटक में, कुचित कुचित महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी मेरे को कहीं कहीं आदर मिला है, लेकिन मैं जब गुजरात में गई ना तो एकदम वृद्ध हो गई। कहते गुजरात में जा करके एकदम मैं बुढ़ी हो गई। मतलब बुढ़ी क्यों हो गई, मतलब गुजरात में इतने नास्तिक लोग रहते थे, इतने नास्तिक लोग गुजरात में रहते थे, वहां पर अगर कोई तिलकधारी कंठीधारी
अगर कोई छोटी धारी देख लेना तो जब तक खदरा नहीं देते थे हैं, उसको भगा नहीं देते, उसको पीछा नहीं छोड़ते थे, कोई तिलक लगा लिए तो बोले बगुला कोई काटी कर लिया है, छोटी अगर कोई रखी तो बोले भाई हरियाल है तुम्हारी, गले में अगर कोई कंठी पहने तो बोले कोई तुमने पाप किया हो गले में कंठी बांध कर रखे, और किसी कहीं भी भक्ति की कोई नाम गंध नहीं थी। गुजरात किसी नास्तिक देखता, बड़ा नास्तिक देखता, लेकिन अभी आप गुजरात में देखोगे सबसे अगर ज्यादा भक्ति करने वाले गुजरात, सबसे ज्यादा भक्ति करने वाले देखोगे गुजरात में, घर घर में तुलसी पूजा, ठाकुर का सेवा है, गले में कंठी, जो ब्रजमंडल परिक्रमा होता है गुजरात लोग करते हैं, एक 40 दिन तक चल चल करके पूरा ब्रजमंडल में 10,000 एक साथ में लोग दंडे ले लेकर खाली प्यार में है, तिलक गले में कंठी धारण करते हैं, ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं, पुष्टि मार्ग वाले है। कहते प्रश्न होता है इतने भक्ति कहाँ से आ गई, इतने भक्ति कहाँ से आ गए, कारण है वहां पर कुछ साधु लोग जन्म, वल्लभाचार्य विठलनाथ हैं, उनका जो बेटे दिए हैं, और श्री कहते नाम दे थुकारा नरसी भगत, कहते कुछ कुछ संत लोग वहां पर जन्म हो गए, कहते जहां पर कहीं संत लोग जन्म हो जाते हैं बोले उसकी प्रभाव से करोड़ जोजन तक मंगल हो जाते हैं, करोड़ जोजन जोजन तक कल्याण हो जाता है जहां पर कोई साधु जन्म ग्रहण करे। संत जन्म की बड़ी महत्व बताए, बहुत शास्त्र में इतने महिमा बताए, कहते जब तक करोड़ों करोड़ों जन्म का इसका पुण्य नहीं होना किसी घर में साधु जन्म नहीं ग्रहण करते हैं, बड़े भाग्य से कोई साधु जन्म लेते हैं, इसलिए यहाँ पर कहते सुचि मद भक्ति दीप्ताग्नि दग्ध दुर्जाति कल्मषम, यहाँ पर महाप्रभु कहते हैं भक्ति की इतने प्रभाव है जितने दुर्जाति को, इस समस्त दुर्जाति को ये नष्ट कर देता है, जैसे अग्नि में जो कुछ डालो जैसे जला करके वो राख बना देती है, अगर कोई भगवान की भक्ति करे ना जितने सारी दुर्जाति को नष्ट करके वो दुर्जाति व्यक्ति को सर्वोच्च स्थान दे देती है, भक्ति सर्वश्रेष्ठ स्थान भक्ति दे देती है, बताओ। इसलिए हमारे प्रेमानंद ठाकुर जी के भजन गाते हैं, वो कहते हैं ए बोले ए मान की करे भरना खोला, जय को लेके ना जना मनाहाय, केवल भक्ति मोल कपि को ले धन्ना वीर हनुमान, श्री राम भक्त राय विभीषण हैया। वहां पर उदाहरण देते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं भैया मैं तुमने कुल को कैसे श्रेष्ठ मान दिया है, तुमने कुल को कैसे श्रेष्ठ मान दिया, बोले बताओ हनुमान जी कौन सा कुल में जन्म हुए। हनुमान खुद कहते हैं सवेरे उठ करके जो मेरा नाम मेरे मुंह देखेगा ना दिन भर वो भूखा रहना पड़ेगा उसको, मतलब ऐसे जात में मेरी जन्म हो गई, कौन सा बोले बंदर जात, किसी घर में घुस गए तो अपवित्र हो गया थोड़ा, लेकिन देखो राम की भक्ति करता हूँ मैं, लगता है भारत में जितने राम की जितने मंदिर पूजा नहीं होगा उससे ज्यादा हनुमान जी की पूजा होता है, घर घर में हनुमान जी की पूजा, कहीं मंदिर मंदिर जहाँ जाओगे हनुमान जी का मंदिर मंदिर देखोगे। बोले क्यों, बोले केवल राम की भक्ति मैंने किया है और कोई कारण, राम का नाम राम की भक्ति करता हूँ। बोले विभीषण, बोले विभीषण कौन से जाति के थे, राक्षस, लेकिन जब भगवान राम से दरबार लगता है देखना भगवान राम बराबर आसन विभीषण को देते हैं, बराबर आसन, भगवान राम जितने ऊंचे में इतना ऊंचे में विभीषण बैठता है। कहते प्रहलाद राक्षस कुल में जो खंभे से भगवान को प्रकट कर लिया, बोले सबरी सबरी जाति में छोटी जाति में लेकिन भगवान जिनका झूठा बेर खाए, गुह का चंडाल चंडाल घर में, लेकिन देखो राम की कितने बड़े प्यारे भक्त है। यहाँ पर कहते हैं भैया कुल बड़ा नहीं भक्ति बड़ा है, कुल बड़ा नहीं भगवान की भक्ति बड़ा, इसलिए महाप्रभु कहते सुचि मत भक्ति दीपाग्नि, कहते मेरी जो भक्ति है ये आग है, जैसे आग में डालने पर सब राख बना देती है, जो भगवान की भक्ति करता है उसका सारे निकृष्टत्व को वो जला करके सर्वश्रेष्ठ भक्ति बना देती है, इसलिए भक्ति ही जगत का मूल है। इसलिए दूसरे और एक श्लोक देते हैं,
कद भगवत भक्ति ही नस्य जाति शास्त्र जपस्तप अप्राणश्चैव देहस्य मंडलम लोकरंजनम। एक उदाहरण देकर बताइए, यहाँ पर कहते भगवत भक्ति हीनस्य, अगर किसको अगर भगवान की भक्ति अगर नहीं है तो उसका जाति शास्त्र जप तप सब निरर्थक है। उदाहरण देकर बताए, जैसे एक मरा शरीर है, अगर मरे शरीर को अगर सजाओ उसमें क्या लाभ, कोई लाभ शरीर तो मर गया, उसको शरीर से सजाने पर क्या लाभ है, कोई लाभ नहीं है। इसलिए कहते हैं अगर तुम्हारे अंदर में कोई भी गुण नहीं, तुम्हारे अंदर एकदम निर्गुण तुम हो, पढ़ाई लिखाई जगत में कुछ भी तुम्हारे अंदर में नहीं, लेकिन तुम भगवान की भक्ति करते हो, भगवान के नाम जप करते हो, कहते वो सर्वश्रेष्ठ है। कहते लेकिन तुम्हारे अंदर में सारे क्वालिफिकेशन है, सारे गुण है तुम्हारे अंदर में, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करते हो तो जीरो है, वो सब जीरो है, उसका उसका कोई महत्व नहीं। बताओ शबरी के अंदर में कौन सा गुण थी, क्या गुण थी उसके अंदर में, केवल राम की भक्ति करती थी। और कौन सा गुण थी, चंडाल गुह का चंडाल, चंडाल कुल में क्या भक्ति थी, हनुमान बंदर में क्या भक्ति थी, क्या गुण था, कोई नहीं, केवल भगवान राम की भक्ति करते हैं। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु कहते हैं किसको, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को कह रहे हैं, बोले देखो तुम्हारी जीवा में तुम कह रहे हो ना नीचे छोटे जाते, बोले नहीं तुम सर्वतम तुम हो, बोले क्यों, बोले तुम्हारी जीवा में कृष्ण कीर्तन हो रहा है, तुम कृष्ण की नाम को तुम जप कर रहे हो, इसलिए तुम सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए एक बार सबके सब हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब कुछ हो गया है, भगवान के नाम लिया, मतलब है कहते सारे वेद तुमने पढ़ लिया, सारे उपनिषद पढ़ लिया, भागवत जितने सारे पुराण शास्त्र आपका अध्ययन हो गया है, सब कुछ तुमने पढ़ लिया है, जो भगवान के नाम का तुम जप कर लियो। हमारे भारत में क्या होता है, भले ही जिंदगी में जो कुछ करना करो, लेकिन जो मर जब अंतिम समय आता है, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, यही बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा है, यही सुनाते हैं ना, किसको सुनाते हैं, उसको जो ऊपर जो लेटा हुआ है उसको ही सुनाते हैं, बोले देख बेटा जीवन में जितने तुमने कृष्ण और राम का नाम लिया वही तेरे साथ में जा रहा है, इसके सिवाय तुमने जीवन में जो कुछ किया हो तुमने झूठा में बिताया है, एक सुई धागा भी तेरे साथ में यहाँ से नहीं, है ना। पत्नी जिसको पत्नी बनाया रो रो कर दरबार तक जाएगी, जिसको परिवार बनाए शमशान तक जाएगी, जला करके सर पर घी रखते हैं भर करके सर को फोड़ करके टाटा करके वापस चले आएगी, उसको आगे कुछ भी तुम्हारी जाने वाली नहीं, जाएगा क्या, बोले पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जितने राम का भजन किया वही क्या जगत में सबको पास। इसलिए यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को कह रहे हैं तुम दोनों सर्वश्रेष्ठ हो, क्योंकि तुम्हारी जीवा में कृष्ण कीर्तन हो रहा है, क्षण क्षण कर तुम्हें सर्व तीर्थ स्नान, हर क्षण क्षण में तुम सारे तीर्थ में नहा रहे हो, सारे व्रत कर रहे हो, सारे तपस्या कर रहे हो, तुमने सारे पूजा पाठ करना हो गया। इसलिए क्या करनी चाहिए, जीवन में हरि का नाम को हमको जप करनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए कहते श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहते वहां पर हैं महाप्रभु एक व्यक्ति को एक उपाध्याय, क्या कौन सा उपाध्याय थे जिनको साथ में श्री रघुपति, महाप्रभु एक श्री रघुपति उपाध्याय थे, महाप्रभु रघुपति उपाध्याय से मिले, मिल करके बड़े प्रसन्न महाप्रभु थे, प्रसन्न होकर के महाप्रभु उनको आलिंगन किया है, और उन्होंने बहुत बड़े वैष्णव थे, साधु बहुत बड़े साधु थे, तब महाप्रभु को अंधेरे में उन्होंने जो दिव्य लक्षण देखा है, स्वेद कंप अश्रु पुलक वैवर्ण, ये अष्ट साथी के प्रेम का लक्षण है, ये सब दिव्य चिन्हों को देख कर समझ गए किसी साधारण व्यक्ति को शरीर में ये कभी दिखाई नहीं पड़ता है, जो भगवान के अत्यंत जो प्रेमी की भक्त हो उनके अंदर में
और उनके अंदर में भी नियम है, जैसे प्रेम का 8 लक्षण है, वो एक लक्षण दिखाएगा दूसरे लक्षण नहीं दिखेगा, दूसरे दिखेगा तो तीसरे नहीं दिखेगा, तीसरे दिखेगा तो चौथा लक्षण नहीं दिखेगा। लेकिन उन्होंने महाप्रभु के साथ शरीर में एक साथ में उन्होंने प्रेम का सारे लक्षण दिखाई पड़ा, देख करके समझ गए कि भगवान ही ये भगवान। जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु जब जगन्नाथ मंदिर में गए, महाप्रभु का शरीर में उन्होंने जो प्रेम का लक्षण उन्होंने देखा है, बोले ये कोई इंसान में कभी ये लक्षण नहीं देख सकता है, ये केवल भगवान में ही ये लक्षण हो सकती है। क्योंकि इंसान में स्वेद होगा तो कंप नहीं होगा, कंप होगा तो असुर नहीं होगा, असुर होगा तो विवर्ण नहीं होगा, विवर्ण तो स्तंभ नहीं होगा, वो एक ही चीज दिखाई पड़ेगी। लेकिन भगवान के अंदर में ही ये सारे लक्षण दिखाई पड़ सकता है। वो समझ गए कि कोई इंसान नहीं, ये कौन, ये भगवान है, क्योंकि सारे लक्षण इनके अंदर में दिखाई पड़ रहे हैं। इतने में महाप्रभु को उन्होंने समझ गए ये साधारण नहीं भगवान है, तो उन्होंने महाप्रभु को प्रणाम उन्होंने किया। तब महाप्रभु ने उनको कुछ उन्होंने प्रश्न किया है, तो क्या प्रश्न किया आप लोग, प्रभु बोले उपाध्याय श्रेष्ठ मान काय, कहते उनको पूछ रहे हैं, बोले उपाध्याय जी आप सर्वश्रेष्ठ आप कौन सा शरीर, भगवान की बहुत सारे शरीर है, सर्वश्रेष्ठ शरीर आप भगवान का क्या मानते हो, तो वो उत्तर देते हैं श्याम में परम रूपम कहे उपाध्याय, कहते भगवान की जितने सारे अवतार में कहते कौन सा अवतार सर्वश्रेष्ठ अवतार है, तो यहाँ पर कह रहे हैं भगवान की जितने सारे अवतार है, जो भगवान जो कृष्ण है ना, जो श्याम रूप है, कहते ये जो शरीर है भगवान की, ये सर्वश्रेष्ठ ये अवतार है, हैं ये सर्वश्रेष्ठ अवतार श्री कृष्ण चंद्र ही सर्वश्रेष्ठ अवतार है, हैं बोले कारण क्या है, बोले कारण है भगवान के अंदर में 64 गुण है, भगवान के अंदर में 64 गुण है, क्योंकि हर जीव में 50 गुण होता है, वो भी बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा से, वही ज्यादा 50 गुण होता है देवता के अंदर, है वही गुण ही वो देवता के अंदर 50 ज्यादा गुण होता है। लेकिन जो 55 जो गुण है कहते किसके अंदर, ब्रह्मा और शंकर जी के अंदर, और 5 गुण है ये किसी जीव में नहीं होता है, ये केवल ब्रह्मा और शंकर में ही ये विशेष 5 गुण होता है। लेकिन और विशेष जो 5 गुण किसके अंदर है, नारायण और मत्स्य कुर्मा वराह नृसिंह, ये जितने सारे अवतार के अंदर और 5 गुण कितना हो गया, 60 गुण हो गया है, 60 गुण है इसलिए इनको अंदर में। लेकिन और जो विशेष जो 4 गुण है ये और किसी को अंदर में नहीं है, केवल कृष्ण के अंदर, बताओ क्या क्या है, इसलिए कहते कृष्ण के अंदर में विशेष 4 गुण है, बोले सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल वारिधि, कहते एक लीला माधुरी जी है, कहते लीला में कौन सा सर्वश्रेष्ठ लीला, बोले रास लीला है, और कोई अवतार क्या रास किसने किया है, इसलिए रास रचया कौन है, केवल कृष्ण ही ये रास लीला किया है, इसलिए कहते हैं लीला माधुरी है भगवान की सर्वश्रेष्ठ, ये सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल वारिधि है। और कृष्ण जितने सुंदर सुंदर लीला की है ना, राम भी सुंदर सुंदर लीला की है, प्रभु राम का भी सर्वश्रेष्ठ लीला है, लेकिन भगवान ने राम को भी रास नहीं रचा है, रास नहीं रचा है, केवल उन्होंने किसको साथ में, सीता जी को साथ में विहार किया है, हैं जो श्रुति चली जो थी, जो श्रुति का मंत्र उन्हें कृष्ण की कठोर, उन्होंने कठोर तपस्या की, श्रुति चली जो श्रुति का मंत्र ने, भगवान कृष्ण संतुष्ट होकर दर्शन दिए, बोले क्या चाहते हो, बोले क्या चाहते हो, बोले प्रभु गोपियां जैसे तुम्हारी भजन की, हम ऐसे गोपी भाव चाहते, बोले वो नहीं दे सकता और कुछ मांगो, बोले चाहिए था हमें वही चाहिए। तब कृष्ण ने कहा ठीक है तुम लोग द्वापर युग में गोपी बन करके आओ। जब रामचंद्र दंडकारण्य में गए, जो मुनि चले, जो मुनि लोग तपस्या कर रहे थे, अभी राम को देख करके, राम श्याम एक ही है, अभी राम को देख कर उनको श्याम की याद आई, गोपाल मंत्र की उपासना कर रहे थे लेकिन सिद्धि नहीं हो रही थी, हैं चाटी के लिए सिद्धि नहीं हो रही थी, बोले क्या चाहते, बोले आपको हम पति रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, बोले तुम लोग द्वापर युग में गोपी बन करके आओ, द्वापर युग में गोपी बन करके आओ, सो गोपी बन करके आए।
जब भगवान राम जनकपुरी में गए, जनकपुरी का जितने सब के सब सीता जी की सहेलियां थी वो भी राम रूप देख कर मुक्त हो गए, पति रूप में मान लो बोले नहीं इसी अवतार में नहीं सबके सब द्वापर युग में गोपी बन करके आओ है। कहते जो स्वर्ग के जो तो देवियां थी, स्वर्ग के जो देवियां थी वो भी गोपी भाव से कृष्ण को प्राप्त करना चाहते थे, यदि ये सबके सब द्वापर में ये गोपी बन करके आए। इसलिए कहते जो कृष्ण का सिवाय है ना और कोई भी ये रासलीला नहीं कर सकते है, और एक पत्नी से दो पत्नी भी कोई ग्रहण नहीं किया, लेकिन कृष्ण अगर किसी ने ग्रहण किया है कृष्ण ही जो जो इच्छा कोई पूरी नहीं कर पाए वो इच्छा कृष्ण ही पूरी कर पाए। बोले क्यों? बोले कारण जो कृष्ण है ना ये सर्वगुण संपन्न है और ये 16 कला में परिपूर्ण है, लेकिन जो दूसरे दूसरे अवतार में ना वो 16 कला में परिपूर्ण कोई नहीं है, है? और कृष्ण सर्व अवतार के अवतार बने का नाते सबकी इच्छा कृष्ण ही पूरी कर सकते हैं। इसलिए बोले जितना रूप है भगवान की जो कृष्ण रूप है ये सर्वश्रेष्ठ रूप है। इसलिए पहला लीला क्या हो गया? रासलीला है, सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कलभारी। दूसरा गुण क्या है? बोले अतुल माधुर्य प्रेम मंडित प्रिय मंडल। भगवान की जो दूसरा जो गुण है प्रेम, कहते उनको कौन सा गुण है? प्रेम माधुरी है। कहते प्रेम माधुरी में रूप गोस्वामी ने दो उदाहरण दिया है, दो उन्होंने उदाहरण दिया है। पहला उन्होंने उदाहरण ये दिया, उन्होंने कृष्ण जब रासलीला कर रहे थे, अब बताओ कितना दिन तक रासलीला किया कृष्ण? ब्रह्मा का एक दिन, 1000 चतुर्युगों ने किया, 1000 चतुर्युग रासलीला किया। लेकिन जब कृष्ण रासलीला किया है ना, गोपियों को क्या लगा? अभी अभी हम आए और अभी अभी खत्म हो गया, लेकिन कितना दिन से था? 1000 चतुर्युग, करोड़ों साल तक था रासलीला, लेकिन उनको ऐसे लगा अभी तो आए, अभी खत्म कैसे हो गया इतना जल्दी? मतलब क्या है? कैसे आनंद में ना समय पता नहीं चलता है, लेकिन जो दुख में देखना एक एक सेकंड कितना कठिन होता है, कष्ट होना एक एक सेकंड कितना कठिन होता है, लेकिन जो आनंद में देखना समय कैसे चला जाता पता ही नहीं चलता समय कैसे चली गई है। एक दूसरा उदाहरण दिया, कृष्ण जब गोचारण करके जब कृष्ण वापस आते हैं, कृष्ण बड़े सुंदर सुंदर बंसरी बजाते हैं। अभी बंसी ध्वनि सुन करके जितने ब्रजवासी घर छोड़ करके कृष्ण को दर्शन करने आते हैं, और जब कृष्ण को दर्शन करती हैं उसी समय में उदाहरण देते हैं कृष्ण का मुख कैसे, बोले के कमल है, और उनका जो घुंघराली केस कैसे जैसे कमल फूल के ऊपर जैसे घूरा बैठते हैं, और जैसे हम लोग क्रीम लगाते हैं ना, इसलिए जब गैया का खुर से जो धूल उड़ता है लगता है जैसे कृष्ण मुंह में पाउडर लगाया है, बोले क्योंकि कृष्ण में बोले जैसे कोई व्यक्ति का शरीर में धूल लग जाए अच्छी लगते हैं, किसको शरीर में खून का बूंद लग जाए अच्छी लगती है, बोले अच्छी नहीं लगती है ना, लेकिन कृष्ण को देखना कृष्ण में देखना, कोई भी कृष्ण जब कृष्ण ने वध किया है कुबले हाथी को, दांत उखाड़ दिए, उखाड़ दिया तो खून शरीर में जैसे छीटा लग रहा, लेकिन कृष्ण उससे भी बड़े सुंदर लग रहे हैं, कृष्ण उसी समय भी सुंदर लग रहे थे हैं। इसलिए कहते हैं कृष्ण को भूषणाम भूषणांग में, हम जो वस्त्र धारण करते हैं अच्छे अच्छे अलंकार क्यों पहनते हैं, हम सुंदर इसलिए पहनते हैं ना, लेकिन कृष्ण क्यों सुन, कृष्ण जो अलंकार धारण करते हैं क्या कृष्ण की सुंदरता बढ़ने के लिए? नहीं, कहते वो अलंकार का सुंदरता बढ़ जाती है, वो वस्त्र का सुंदरता बढ़ती, कृष्ण की कोई सुंदरता नहीं बढ़ती है, बल्कि कृष्ण में कोई चीज लगा वो चीज को सुंदरता बढ़ती, कृष्ण की सुंदरता बढ़ती है, क्योंकि जो कृष्ण है कहते भूषणाम भूषणांग में, कृष्ण भूषण से भी भूषण है, भूषण से भी कृष्ण भूषण है। इसलिए कभी चंद्रावली की सखी और राधा रानी की सखी में कभी है, कभी चंद्रावली एक समय बोली आज मेरे जीवन धन्य हो गया है, बोले क्यों? बोले आज मैंने कृष्ण का चरण से लेकर सिर तक कृष्ण का मैंने दर्शन किया। राधा रानी कहती हैं तो बड़ी सौभाग्यवती हो क्योंकि आज कृष्ण के पूरे दर्शन तुमने किए। राधा रानी कहती हैं मैं तो बड़ी
अधन्य है। बोले क्यों? जब कृष्ण के चरण के नख ऊपर मेरी नजर लग जाती है ना, कृष्ण के चरण के नख में इतने छटा, इतने सुंदर था, मेरे आप तो चुंबक जैसे लग जाती है वहां से, और आप हटते नहीं वहां से आप मेरी हटते नहीं। कृष्ण की किसी शरीर पर जब मेरी नजर लग जाती है, बस वही के वही अटक जाती है। कृष्ण इतने सुंदर है, कृष्ण इतने सुंदर है। अभी कृष्ण राधा रानी से मिलकर कुंज से निकले, अभी निकले, इतने में राधा रानी कहते ललित ये कौन है? बोले कौन है? बोले अभी तो तेरे साथ में मिलकर गए। बोले नहीं, लगता है जीवन में मैंने पहला बार इनको देखा, जीवन में पहला बार। कितने कृष्ण सुंदर है। देखो हम लोग, आप लोग घर में ठाकुर को सजाते हैं, गोपाल जी को राधा कृष्ण को सजाती है ना, श्रृंगार करती है। अब देखो सवेर देखो अलग दिखते हैं, दोपहर में देखो और अलग दिखते हैं, शाम को देखो कभी ऐसे लगता है कभी हमने पहले देखा ठाकुर जी को। जब जब देखो ठाकुर को लगता है जैसे हम जीवन में पहला बार हम ठाकुर जी को देखे। अगर हमारी अंदर में ऐसे हो, और जिसके अंदर में अनुराग, जिसके अंदर में अनुराग कहते प्रेम, राग और अनुराग, अनुराग का लक्षण बताए, जब जब कृष्ण को देखो तब तक लगता है तब जिंदगी में हमने देखा ही नहीं, जीवन में हमने पहला बार ठाकुर को हम दर्शन करते हैं। इसलिए कहते तुम्हारे जीवन धन्य है। इसलिए कहते भगवान का दूसरा माधुर्य है, कहते प्रेम माधुर्य है, जब गोपियों की आंख का पलक झपती है, पलक झपती है, जैसे कोई चीज को हम देख रहे हैं आंख का पलक तो झपती है, लेकिन पता क्या चलता है? आंख का पलक झप रही है, अब जाना पता नहीं चलता है, इतने जल्दी आंख की पलक झपती है। लेकिन जब ये कृष्ण को दर्शन करती है, जब आंख पलक झपती है ना, उनको ऐसे लगता है मैंने करोड़ों काल से कृष्ण दर्शन नहीं किया, करोड़ों काल तक जैसे हमने कृष्ण दर्शन नहीं। इसलिए गोपी गीत में गाती है, बोले त्रुटि जुगायते श्रीमुखम चते जड़ दीक्षताम पक्ष्म की दृशा। गोपी गीत में गाती हैं, कहते गोपियां ब्रह्मा जी को निंदा करती हैं, बोले सृष्टि करना जानता ही नहीं। बोले क्यों? बोले कृष्ण इतने सुंदर है कृष्ण, और उनको देखने के लिए दो ही आंख दे दी, और उसमें हर समय पलक झपती रहती है, जब बीच बीच में पलक है झपती रहती है। इसलिए गोपियां कहती हैं भैया ये पलक ना काट कर फेंक दो। पलक को कहते वही रसी की है। बोले कौन है? बोले जिनका पलक है ही नहीं है, ये पलक हर समय कृष्ण दर्शन में बाधा देती, इसलिए काट कर इसको फेंक देनी चाहिए। कहती ये कहती है प्रेम माधुर्य जो कृष्ण का, और जो तीसरा माधुर्य है उनकी वेणु माधुर्य, उनकी वेणु माधुर्य। बताओ कृष्ण के सिवाय कौन, कोई किसने बंसुरी बजाए? कृष्ण को दुनिया में कोई बंसुरी बजाए? बंसुरी बजाए तो कौन है? बंसी वाले कौन है? कृष्ण ही है। बोलो बंसी वारे की जय। जोर से बोलो, बोलो बंसी वारे की जय। चलो बंसी वारे कृष्ण ही है। इसलिए हमारे भागवत में तो पूरे के पूरे हमने सुखदेव गोस्वामी पूरा वेणु गीत ही दे दिया है। ये वेणु गीत दे देती हैं, कहती बंसी में क्या माधुर्य है। बंसी में कृष्ण जो बंसी बजाते हैं, आकाश में मेघ कृष्ण की जब गोचारण करने के लिए, गोपियां घर में बैठी हुई है और घर में बैठी बैठी कर कृष्ण की वो माधुर्य को दर्शन करते हुए आपस आपस में वर्णना कर रहे हैं। बोलिए बंसुरी ने ऐसे पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य किया है? इसलिए राधा रानी कहती है अगली बार में तो और मैं राधा ही बन करके नहीं आऊंगी, आऊंगी तो क्या बन करके आऊंगी? बंसुरी बन करके आऊंगी। बोले क्यों? बोले कृष्ण कभी बंसुरी तो छोड़ते ही नहीं, कभी नहीं छोड़ते, देखे कभी छोड़ते हुए कभी नहीं, कभी कमरे में, कभी हाथों में, कभी अधर पर धारणी करते हैं। कहती बंसुरी ने इसे कौन सा पुण्य किया? चलो हम पौर्णमासी को पूछते हैं, क्योंकि वो सर्वज्ञ, वो सब जानती है, वो जानती है ये पूर्व जन्म में इसे कौन सा पुण्य की जो कि इसी जीवन में बंसुरी बन करके आए। हम वैसे ही पुण्य करेंगे करके फिर हम बंसुरी बन करके फिर हम आएंगे। बोले क्यों? बोले देखो कृष्ण हम गोपी, कृष्ण के अधरावृत में किसके अधिकार? हमारे अधिकार है, लेकिन ये बंसुरी तो अंगूठा दिखा दिखा करके हमारे सामने सारे कृष्ण के अधर को यही आश्वासन कर रहे हैं। कृष्ण के अधर कितने सुंदर है, बिंब फल जैसे बताया, कितनी सुंदर लाल, लेकिन ये बंसुरी
सारिक अधरा में तपान करते करते कृष्ण का ओठ देखो नीला बन गया। मतलब क्या, सारे अधरा मृत उसने ही पान कर लिए। एक अधरा मृत को कर देखो ये बंसुरी को ये कितने सौभाग्य देते हैं। बोले क्या, कृष्ण ऐसे बंसुरी बजाते ना, ऐसे तो बंसुरी बजाते हैं। तो उदाहरण देती हैं, जैसे कोई राजा महाराजा की जैसे सेवा हो रही है, जैसे राजा डल्लभ गद्दी के ऊपर विश्राम करता है राजा है, मानो कृष्ण का जो अंगुल नहीं, मानो कृष्ण अंगुल कितना कोमल है, कदी मल ये डल्लभ गद्दी है, और उसको तकिया चाहिए है, तकिया चाहिए। तकिया कौन है, बोले उनका अधर तकिया है, अधर को अधर में तकिया हो गया। जैसे कोई राजा महाराज की चरण सेवा करते हैं, कृष्ण जो अंगुल चलाते हैं ना, बंसुरी बजाते हैं, कहते हैं अंगुल नहीं चला रहे, बोले उसकी चरण सेवा रहे, बंसुरी की चरण दबा रहे। अब जैसे किसी राजा के ऊपर में छत्री धारण करते हैं, हमारे देश में राजा को छत्री धारण करते हैं, बोले वो छत्री क्या है, बोले कृष्ण को कान में जो कुंडल है, कुंडल ऐसे थे ना कुंडल, मानो बंसुरी को, यहाँ पर बंसुरी कुंडल मानो उसको शरीर पर उन्हें छत्र धारण करके रखे। बोले जैसे किसी राजा महाराज को पंखा झुलाते हैं, हैं पंखा झुलाते हैं, पंखा क्या है, आग का जो पलक झपती है, आग का पलक झपती है ना हर समय, बोले पलक नहीं जम रही, बोले क्या करे, बोले उसको पंखा झुलाते हैं उनको, हाँ उनको पंखा झुलाते हैं। इसलिए देखो ये कितने सौभाग्य उसने किया है जो कृष्ण उसकी इतने सेवा करते हैं, हैं? इसलिए कृष्ण बंसी ध्वनि सुन करके जमुना उल्टी बहने लग जाती है। उल्टी बहकर क्या करती है, कमल फूल लेकर कृष्ण के चरण में अर्पण करती है। बंसी ध्वनि सुन करके जो हिरण हिरणिया है, हिरण उनको दर्शन नहीं, आंखों से उनकी आरती उतारते हैं। इसलिए जो पक्षी मुनि बन जाती है, गैया घास खाना भूल जाते हैं, बछड़े दूध पीना भूल जाते हैं, बंसी ध्वनि सुन करके ऐसे बंसी और कृष्ण की बंसी सुन करके मेघ आकाश में छा जाते हैं। बोले क्यों, ये मेघ देखिए, मेघ का रंग काला है, कृष्ण का रंग काले नहीं, कई कोई बोलता ना बराबर देखने पर मित्रता स्थापन कर देते हैं, इसलिए मानो ये मेघ सोचता है कृष्ण मेरे मित्र है, हैं कृष्ण मेरे बंधु है, क्योंकि बराबर रंग के हैं। इसलिए कृष्ण जिधर चलते हैं ये मेघ भी उनके साथ साथ चलती रहती है। जैसे सर पर छत्र धारण करते हैं और गर्मी होने पर क्या होता है, जैसे हम फुहरा में स्नान करते हैं, ये मेघ क्या करते हैं, सुंदर सुंदर फुहरा कृष्ण के ऊपर में, हाँ बारिश जैसे होता है ना फुहरा, जैसे धीरे धीरे कृष्ण को स्नान कराती है। इसलिए अगर जगत में कोई धन्य हो तो कहते कौन, ये मेघ ही धन्य है, ये मेघ ही धन्य है। कहते वहां पर वृंदावन में जो वृक्ष है, कहते वृक्ष से ये मधु झरना शुरू हो जाते हैं। बोले क्यों मधु झरता है, बोले कारण क्या है, और जमुना में जो फूल खिल जाती है, हैं जब नदी में जो फूल खिल जाते, फूल क्यों खिल जाता, बोले हंसते हैं, खिलते नहीं वो हंस रहे हैं, फूल जो नदी है ना, फूल खिला नहीं है वो हंस रही है। बोले क्यों हंस रही है, क्यों हंसती है, बोले इसलिए हंसती है, जैसे किसी का बंसर में अगर किसी माँ की बेटा अगर भजन में लग जाए, माँ प्रसन्न होती है ना, मेरे कितने सौभाग्य किया है, मेरे बच्चे भगवान की भजन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, इसलिए इसलिए माँ प्रसन्न होती है ना। इसलिए कहते जैसे ये बांस किया है, कहती ये बांस का जो कृष्ण का बंसुरी, ये वृक्ष का टुकड़ा तो बंसुरी है ना, टुकड़ा है ना, टुकड़ा है बांस का टुकड़ा है, इसलिए जो बांस के जो टुकड़ा है वो क्या कहाँ पर है, अभी कृष्ण का अधर कृष्ण बजा रहे, बांस की टुकड़ा मतलब बांस वही माँ और ये क्या हो गया बेटा है। लेकिन जो वृक्ष जो बढ़ता है कैसे, जैसे बच्चा कैसे बढ़ता है, माँ की स्तन पान करके, माँ की स्तन पान करके बच्चा बड़ा होता है। कहते इसलिए वो स्तन क्या है, पानी, पानी हो गया दूध, पानी हो गया दूध, उसको पी करके वृक्ष बड़ा हुआ है, वृक्ष बड़ा हुआ है। इसलिए मानो ये नदी स्वस्था में पानी नहीं, मैं माँ की स्तन स्तनामृत है, इसलिए वो पानी में जो फूल खिल रहा है मतलब है वो प्रसन्न हो रहा है। बोले क्यों प्रसन्न हो रहा है, बोले चूंकि मेरी पानी पी करके स्तन का स्तनामृत को पान करके तो वृक्ष बड़ा हुआ है ना, और उसका एक टुकड़ा कृष्ण के हाथ में, इसलिए मेरी स्तन पान करके इसलिए वो प्रसन्न होकर हंस रही है। कहते वृक्ष से मधु क्यों झरता है, कहते ये पेड़ से मधु क्यों झरती है, बल्कि इसलिए झरती है वो वृक्ष हो गया माँ,
जैसे किसका वंश का बेटा जो भजन कहता है, माँ प्रसन्न होकर क्या कहता है, आंखों से कभी कभी आंसू बहती है, मैंने इसे कितना पुण्य की जो कि आज मेरे बेटे प्रभु का भजन कर रहे हैं। इसलिए कहते वो मधु नहीं जल रहा है, बोले क्या हो रहा है, वो प्रसन्न होकर के उनका आंखों से आंसू टपकती है, आंसू टपकती है। इसलिए कहती यहाँ पर कहते है ये बंसी ध्वनि की ऐसे मधुर में आज इसको सुन करके स्तर अचर जंगम और स्वर्ग की जो देवा देवी देविया भी जिनकी केस खुल जाती है, वहां से फूल गिरती है जिनको दर्शन करते हुए, इसलिए पूरा पूरा उन्होंने एक वेणु गीत उन्होंने दे दिया। किसकी? बोले कृष्ण की है, ये कृष्ण की बंसुर की ये करामती है। इसलिए उनका जो तीसरा माधुर्य है वेणु माधुर्य, और जो चौथा माधुर्य क्या है, एक रह गया इनकी चौथा माधुर्य हो गया रूप माधुर्य हो गया। इसलिए कहते रूप माधुर्य में श्री रूप गोस्वामी रूप माधुर्य में कहते हैं बोले अपर कलिक पूर्वम कश्च मात कर कृष्ण का क्या रूप की माधुर्य है। कृष्ण इतने सुंदर कृष्ण कहते लक्ष्मी स्वयं जब कृष्ण की सुंदरता को लक्ष्मी सुनती है, उनने वैकुंठ नारायण कम सुंदर नहीं है, नारायण बहुत सुंदर नारायण है, बहुत सुंदर नारायण है रूप का। लेकिन जहाँ पर लक्ष्मी हैं जिन नारायण रूप को भूल जाती है और जा करके वृंदावन की बेल वन में तपस्या कर रही है, हाँ वो तपस्या कर रही है, बोले क्यों, बोले कृष्ण को पाने के, कृष्ण इतने सुंदर, जब कृष्ण दर्शन दिए बोले क्या चाहती हो, बोले आपको पति रूप में हम चाहते हैं वृंदावन में रास में प्रवेश करना है, बोले देखो रास में प्रवेश करना चाहती हो तुमको कंडा बिनना पड़ेगा, दधी मंथन करना पड़ेगा, गोपियों के घर में तुमको झाड़ू लगानी पड़ेगी, और मेरे से शादी नहीं किसी गोप से शादी करना पड़ेगा। बोले सब चीज तो स्वीकार कर सकता हूँ लेकिन शादी दूसरे से कैसे करूँ, शादी आपसे मैं कर सकती हूँ लेकिन दूसरे से नहीं कर सकती हूँ। इसलिए कहते अभी भी वो लक्ष्मी अपना अभिमान को त्याग नहीं दे पाई, अभी भी वृंदावन में भजन कर रही है। और कहते कृष्ण इतने सुंदर, बोले लक्ष्मी की बात छोड़ दो, नारायण स्वयं है, उन्होंने तो बच्चों को चोरी किया उन्होंने, नारायण द्वारका में उन्होंने ब्राह्मण का बच्चे जब जन्म होता था, बच्चे जन्म से ही मर जाते थे, बच्चे जन्म से ही मर जाते थे हैं, इतने में इतने कृष्ण बैठे हुए थे द्वारका में, उनको सभा लगी हुई थी, बच्चा का ब्राह्मण ने जन्म लिया मर जाता है, उसने मरे हुए बच्चों को लाकर पटक दिया कृष्ण को सामने, बोले कृष्ण तू अधर्मी लगता है, तू अधर्मी हो, क्योंकि प्रजा को राजा अगर अधर्मी होना उसका दुख प्रजा को भोगना पड़ता है, इसलिए तो अधर्मी राजा है, इसलिए मेरे बच्चा जन्म अगर मरता है कैसे, अर्जुन बैठा हुआ था बोले कोई चिंता मत करो इस बार तेरे बच्चे को मैं रखा करूंगा है। इतने में वो कहती ब्राह्मण कहते तू बोले हिजड़ा तू क्या रखा कर तू हिजड़े हो, क्योंकि अर्जुन एक साल के लिए हिजड़ा बनाते ना स्वर्ग आता हिजड़े बने थे, इसलिए तू हिजड़ा क्या क्या करोगे है। जहाँ पर कृष्ण स्वयं बैठे हुए बलराम प्रद्युम्न अनिरुद्ध बैठे हुए, जहाँ पर जब ये रखा नहीं करो तू क्या रखा करो, अर्जुन कहता है मैं कृष्ण और बलराम प्रद्युम्न अनिरुद्ध ने मैं गांडीवधारी अर्जुन, अगर इस बार तुम्हारे बच्चे को रखा नहीं करवाऊंगा ना सशरीर में अग्नि में अपने आप आग दे दे, बोले केवल इतना ही काम करना बच्चा जन्म होने से पहले मेरे को याद करा देना, अभी अभी प्रसव पीड़ा हो रही है, अर्जुन को बुलाया, अर्जुन ऐसे बाण मारे पूरा घर को एकदम वो हवा तक भी नहीं जा सकता है, ऐसे बंद करके एकदम गेट के सामने गांडीव लेकर खड़ा हो गया। हर बार तो बच्चा जन्म लेता था, जन्म लेते ही क्या होता था उसका शरीर रहता था मर जाता था, लेकिन इस बार जन्म हुआ शरीर समेत गाय, शरीर नहीं रहा, शरीर नहीं रहा। इतने में अर्जुन को उन्हें ध्यान लगाया कहा, अर्जुन तो साधारण है ही नहीं, कृष्ण का भक्त ध्यान लगाया गया कहा, भूल भूव मोह जन तप सत्य लोग तो गया ध्यान करके, अतल बीतल तलातल पाताल लोग तो गया, गया कहा बच्चा कहीं पता ही नहीं, ब्राह्मण इतने गाली दिया बोले हिजड़े तेरे को मैं पहले बोल रहा था कृष्ण बलराम जब यहाँ प्रद्युम्न अनिरुद्ध जो कुछ नहीं कर पाए तू क्या करोगे, अहंकार कर रहा था मैं रखा करूंगा,
कैसे तुम रक्षा कर पाए? इतने में रक्षा कर नहीं पाया, आग जलाया, सोच बोला था मैं अग्नि में प्राण दे दूंगा, इतने में कृष्ण बोले आ मेरे साथ, चलो कृष्ण बोले चलो मेरे साथ में चलो। तो उन्होंने सीधा नारायण को पास में गए। जब नारायण को पास में गए ना, भागवत में कृष्ण गाता है, उस समय नारायण स्वयं कह रहे बोले प्रभु आप जो इतने सुंदर है, आप इतने सुंदर है कृष्ण रूप, केवल आपको दर्शन करने के लिए बच्चे को मैंने चुनाया प्रभु, आज मेरे वैकुंठ धन्य हो गया, आप कृपा करके आगे आपका ये रूप को देखा, जाओ ये सारे बच्चे को ले जाओ, जितने बच्चे मरे हुए थे सारे बच्चे को हमने वापस लाए कृष्ण। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कृष्ण इतने सुंदर है, नारायण भी स्वयं जिनको दर्शन करने के लिए चोरी करते हैं, बोले इनकी बात छोड़ दो। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कृष्ण माधुर्य देखी वासुदेव को, वो कह रहे हैं जो ब्रजेंद्र नंदन जो कृष्ण वो इतने सुंदर, जो वसुदेव नंदन जो वासुदेव है, जो ऐश्वर्य और माधुर्य आधा है जिनके अंदर में, अरे कृष्ण पूर्ण माधुर्य है। कहते जब कृष्ण की कथा सुनते हैं जो मथुरे से जो कृष्ण, वो वृंदावन कृष्ण की कथा सुन करके उनके हृदय में खो प्रकट होता है, मैं कब ये रूप का दर्शन करूं, कृष्ण इतने सुंदर कृष्ण। भले इनकी बात छोड़ दो, रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं जो ब्रज का जो कृष्ण है वो इतने सुंदर है, जब अपना रूप को मणि स्तंभ के ऊपर देखते है ना, कृष्ण स्वयं कहते बोले कौन है, कहती है कितने सुंदर ये बच्चा है, कौन इतने सुंदर, कृष्ण स्वयं कहते कब मैं राधा रानी बन जाऊं, क्योंकि ये रूप राधा रानी आलिंगन करती है, कब मैं राधा रानी बन करती है रूप में, कब मैं आलिंगन करूं, इतने कृष्ण सुंदर है। इसलिए कृष्ण इतने सुंदर, इसलिए कलयुग में क्यों महाप्रभु का रूप में आए, इसलिए महाप्रभु का रूप में आए, कहते राधा या प्रणय महिमा की दृश्य राधा रानी कैसे मेरे को देख करके इनके अंदर में क्या आनंद होता है, क्या रस आस्वादन करती है, मेरे को जितने आनंद मिलता है राधा रानी करोड़ों गुण ज्यादा आनंद मिलता है, करोड़ों गुण राधा जी के अंदर में आनंद होता है, वो आनंद है क्या चीज। इसलिए कलयुग में कृष्ण स्वयं राधा जी की भाव अंगका दिल श्री चैतन्य महाप्रभु। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु प्रश्न करते हैं बताओ तो जगत में बहुत रूप है, बहुत रूप में सर्वश्रेष्ठ रूप क्या है, कहते श्याम एवं परम रूप, भगवान के जितने रूप है, जितने भगवान का रूप सर्वश्रेष्ठ जो रूप है ना, ये श्याम रूप कृष्ण रूप जगत में त्रिभुवन को नव किशोर नटवर है वेणुकर कहते नव किशोर जो किशोरी है सर्वश्रेष्ठ रूप है। दूसरा प्रश्न करते हैं श्याम रूपेर वासस्थान श्रेष्ठ मान काय, कहते ये भगवान तो भगवान के अलग अलग धाम, जैसे नारायण का वैकुंठ राम की अयोध्या और जो मथुरेश का मथुरा द्वारकाधीश के द्वारका है, लेकिन इनके जो वासस्थान में वो सर्वश्रेष्ठ वासस्थान कौन सा स्थान है, बोले मधुपुरी, मधुपुरी मतलब मथुरा कहते हैं, मथुरा अंतर्गत ब्रजमंडल है, हैं? इसलिए कहते जितने कृष्ण जहाँ जहाँ रहते हैं रहने वाले स्थान में जो सर्वश्रेष्ठ स्थान इनका श्री वृंदावन था। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं बोले जयति जयति वृंदारण्य मेथद मुरारी प्रियतम मति साधु स्वाद वैकुंठ वासात रमयति स सदा गा पालयन जत्र गोपी स्वरीत मधुर वेणु वर्धयन प्रेम राशि। इसलिए सनातन गोस्वामी बृहत भागवत अमृत में जब वृंदावन की महिमा गाते हैं ना, वृंदावन धाम की हर जगह में एक बार जयति बोलते, लेकिन वृंदावन धाम के जयति जयति वो दो बार जय शब्द बोलते, कहते दो दो बार जय बोले जयति जयति बोले श्री वृंदावन धाम की, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए कहते जो वृंदावन धाम ही सर्वश्रेष्ठ धाम, बोले क्यों, बोले रमयति स जदा गपाल चतुर गोपी, बोले इसलिए वृंदावन धाम के श्रेष्ठ है, भगवान ने जहाँ पर स्वयं रासलीला वृंदावन में ठाकुर जी किया, रासलीला और कहीं की कोई है, इसलिए रासलीला का जो हमारी जो गोपी गीत का जो पहला जो श्लोक इसमें क्या कहते हैं, बोले जयति तेधिकाम जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा
सास्वदत्रही तैतदृक्षताम दीक्षुताव का। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जयति तेधि कम जन्मना प्रज। भगवान बताओ कहाँ जन्म हुए? वृंदावन में जन्म है, मथुरा में तो प्रकट हो गया, लेकिन वृंदावन में जैसे माँ की पेट से स्वाभाविक रूप में एक बच्चा जन्म लेता है, कहाँ पर जन्म हुए कृष्णा? कहते वृंदावन में जन्म हुए। और कहीं ठाकुर जी जन्म ग्रहण सब जगह में ठाकुर जी प्रकट होते हैं। भाई प्रकट भयाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, मथुरा में वहां पर अयोध्या में प्रकट होते हैं, द्वारका में कृष्ण प्रकट होते हैं, मथुरा में प्रकट होते हैं, लेकिन जन्म कहाँ हुए? वृंदावन में ही कृष्ण जन्म ग्रहण करते वृंदावन है। इसलिए कद जयति ते धिकम जन्मना ब्रज बोले श्रयत इंदिरा। कद जब से भगवान कृष्ण जन्म हुए तब से यहाँ इंदिरा मतलब श्री लक्ष्मी मूल लक्ष्मी राधा रानी, कृष्ण जब से जन्म हुए वृंदावन राधा रानी की क्रीड़ा भूमि बन जाती है। और कृष्ण सब धाम में कृष्ण थे ना पादुका पहने, भगवान राम को खाली चरण में कभी नहीं देखो पादुका में, कभी नारायण को तो पादुका रहती है, कभी पादुका अलग नहीं होता है। और भगवान द्वारकाधीश पादुका मथुरा से पादुका, लेकिन खाली नंगे पैर में कौन घूमे कृष्ण? इसलिए यहाँ पर कहती है जब कृष्ण नंगे पैर में वृंदावन धाम में भ्रमण करते हैं, ये पृथ्वी भगवान के चरण जब बड़े भगवान कृष्ण बड़े हो गए, जब कृष्ण का चरण में कितना चिन्ह है? 19 चिन्ह है। जब कृष्ण ऐसे चरण को रखते रखते जाते हैं पूरा वृंदावन धाम में बड़े सुंदर रूप में कृष्ण का चरण का छाप पड़ जाता है, 19 चिन्ह है। और उसको मानव पृथ्वी अपना हृदय में धारण करते हुए अपना जीवन को धन्य मानती है। सारे अवतार तो पादुका पहनते हैं, केवल कृष्ण ही एक हुए हैं, मेरे ऊपर भी कितना कृपा की, जो नंगे दयाल में वृंदावन में भ्रमण करते हैं और चरण स्पर्श पाकर पृथ्वी कहते उनका जो रोंगेट है, जो घास नहीं, ये घास नहीं कहते, जैसे हमारे शरीर में हाँ स्पर्श करते हैं जैसे हमारे शरीर में रोंगेट खड़े हो जाते हैं, कहते वो घास नहीं, मानो कृष्ण का चरण स्पर्श पा करके ये पूरा वृंदावन धाम रोंगेट खड़े हो जाते। कहते जो झरना है वो झरना नहीं है, जैसे हमारे शरीर चाहता आनंद में आ जाए ना, आंखों से आंसू बहती है, आंसू बहती है ना प्रेम से, आंखों से आंसू बहती है, बोले झरना नहीं, ये झरना रूप में ये पृथ्वी कृष्ण का चरण स्पर्श पाकर आंखों से ये आंसू झर रही, अश्रु विसर्जन हो रही है ये वृंदावन धाम। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कृष्ण का चरण स्पर्श केवल वृंदावन धाम हुए है। इसलिए कहते रमयति स जदा कपाल न जत्र गोपी स्वरित मधुर बिना वर्धयन प्रेम रास। भगवान रास कहा किया? अयोध्या में किया ना, मथुरा में किया, द्वारका में, केवल उन्होंने वृंदावन में ही भगवान का जो सर्वश्रेष्ठ लीला भगवान थी वृंदावन धाम में ही उनका रास हुई है। ठाकुर जी की केवल रास नहीं पर ठाकुर जी की और कहीं भी रास नहीं की है। इसलिए कहिए वृंदावन धाम की बहुत बहुत श्री वृंदावन धाम की बहुत महिमा है। और हमारे घाट पर अनंत संहिता में वहां पर कथा आती है, अनंत संहिता में वहां पर एक समय कहते श्री अनंत देव महाविष्णु के पास में गए। जब महाविष्णु के पास में गए बोले प्रभु जी आपका आशीर्वाद से तो मैंने सब धाम दर्शन किया है, लेकिन अभी तक एक धाम में नहीं कर पाए। बोले कहाँ नहीं जा पाए? बोले वृंदावन धाम। वृंदावन धाम नहीं जा पाए, महाविष्णु स्वयं कहते हैं, कहते तुम्हारी बात छोड़ दो, मैं महाविष्णु हो तो वो करके भी अभी वृंदावन धाम नहीं जा पाया। कहते कारण तो कसाई गर्भ तो कसाई जो क्रिया भी साई जो तीनों विष्णु है, कहते ये भी वृंदावन धाम में हम भी अभी तक नहीं जा पाए, तुम्हारी बात छोड़ दो। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया है, अगर कोई सोचता है कुत्ते का पूछ पकड़ करके समुद्र पार हो जाए, अरे कुत्ते का पूछ पकड़ के कोई समुद्र पार हो सकता है? कि तू ऐसा तुम कह रहे हो वृंदावन धाम दर्शन करना मतलब है मैंने कुत्ते का पूछ पकड़ करके हम समुद्र पार होना चाहते हैं। इसलिए भैया वृंदावन धाम अभी तक उद्धव भी जहाँ पर घास बन करके जन्म लेना चाहते हैं, उद्धव जी जहाँ पर तृणों गुलम होकर जन्म लेना चाहते हैं, ब्रह्मा जी जहाँ पर पत्थर जन्म लेना चाहते हैं, लक्ष्मी अभी तपस्या कर रही है, हैं? अभी भी लक्ष्मी तपस्या कर रही है जहाँ प्रवेश करने के लिए, आज तुम कहते हो वृंदावन धाम दर्शन नहीं कर पाए।
हमारी वृंदावन धाम दर्शन नहीं होता, वो वृंदावन धाम की महिमा को बताते हैं। बोले जानते हो वृंदावन धाम में क्या चीज? बोले क्या? बोले पहाड़ नहीं, स्वयं ब्रह्मा जी ब्रह्माचल पर्वत बनकर बैठे। ब्रह्माचल पर्वत क्या है? बरसना क्या है? ब्रह्मा जी है ना, वो ब्रह्मा जी वहां पर पत्थर बनकर जन्म हुए। नंदेश्वर महादेव, नंदगांव कौन है? नंदेश्वर महादेव स्वयं शंकर जी वहां पत्थर रूप से जन्म हुए। शंकर जी कहते ये गिरिराज कौन है? ये विष्णु है। ये स्वयं स्वयं विष्णु भगवान की सेवा लाभ करने के लिए वो गिरिराज गोवर्धन रूप में वो पहाड़ रूप में बैठे वहां पर है। वो पहाड़ बनकर ब्रज में आए। वहां पर नदी साधारण नहीं, वहां जो यमुना नदी नहीं, कभी यमुना यमुना नदी क्या है? है ये यमुना नदी नहीं, कभी राधा कृष्ण का प्रेम ही द्रवीभूत होकर के यहाँ पानी बनकर बह रही है। इसलिए वहां की जो नदी है वो नदी नहीं है, एक स्वयं राधा कृष्ण का प्रेम ही पानी रूप में बह रही है। कभी ये मानस गंगा क्या है? मानस गंगा कृष्ण जिसको मन से अपना गंगा को प्रकट किया है। ये वहां तालाब नहीं, वो मानस गंगा है। राधा कुंड श्याम कुंड क्या है? कहते स्वयं राधा कृष्ण ही कुंड बनकर वहां प्रकट हो गए। तथा राधा प्रियम कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपेशु सर्व का विष्णु रत्यंत वल्लभा। इसलिए राधा कुंड श्याम कुंड नहीं, राधा कृष्ण स्वयं राधा वहां पर नदी रूप में प्रकट हुए। कहते वहां पर मान सरोवर क्या है? राधा रानी स्वयं कृष्ण प्रेम में रो रो करके जो कुंड बन गया वही मान सरोवर है। प्रेम सरोवर क्या है? राधा कृष्ण स्वयं प्रेम में द्रवीभूत होकर कुंड बने हुए। इसलिए भैया वृंदावन का भूमि साधारण नहीं, वहां पर भूमि है, वहां साधारण भूमि नहीं। ब्रह्मा जी कहते ना चिंतामणि प्रकर सत्मा सुकल्प वृक्ष लखा वितत सुरभि रविपाल यंतम लक्ष्मी सहस्र सतसम ब्रह्म सभ्यमानम गोविंदम माति पुरुषम तमाम भजामी। ब्रह्मा स्वयं कहते वो भूमि नहीं, चिंतामणि वृक्ष नहीं, कल्प वृक्ष तो वहाँ पानी अमृत कथा गान गमनम नाट्यम कोई चलता है लगता है बड़े सुंदर नाच रहे वृंदावन धाम में है। इसलिए ये वृंदावन धाम का साधारण नंबर समझो, ये वृंदावन धाम कैसे ऐसे वृंदावन धाम है। लेकिन तब यहाँ प्रश्न किया फिर तो हम वृंदावन जा ही नहीं सकते। अब लोग वृंदावन धाम जा नहीं सकते। हम जब जब स्वयं कालमदेव साई गर्भदेव साई स्वयं खिरावदी साई विष्णु नहीं जा पाए, अनंत देव भी नहीं जा पाए है, जब ब्रह्मा शंकर नारद सब तपस्या कर रहे वृंदावन धाम जाने के लिए फिर तो हम कभी जा पहुंच नहीं सकते। एक उपाय सबसे सरल उपाय बताए कौन कह रहे? अनंत देव महाविष्णु को कह रहे बोले एक सबसे सरल उपाय वही ब्रज प्रेम को देने के लिए कली युग में कृष्ण स्वयं श्री नवद्वीप धाम में सची नंदन गौर हरि बन कर गया है, श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में आ रहे हैं। क्यों? वही ब्रज प्रेम को देने के लिए। इसलिए कहते हैं राधा र महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तो के यदि गौरांग नहीं तो तबे की हो तो महापुरुष अगर नहीं आते तो राधा रानी की प्रेम का क्या महिमा है, भक्ति की क्या महिमा वृंदावन धाम की, कौन किसको पता चलता है? केवल महापुरुष का आशीर्वाद से। हाँ अगर वो वृंदावन धाम में प्रवेश करना चाहते हो एक उपाय है नवद्वीप धाम जा परिक्रमा करो, नवद्वीप धाम को जाकर परिक्रमा करो नवद्वीप धाम की, क्योंकि कलियुग में महापुरुष नवद्वीप में आए हैं और उसी ब्रज प्रेम को देने के लिए आए। जो नवद्वीप धाम जाएगा परिक्रमा करेगा वहां पर सचिनंदन गौर हरि की जय, बोले नित्यानंद प्रभु की जय। अगर नवद्वीप धाम में जाकर कोई परिक्रमा करे और वहां धूल में लोट पोट उठाए और सचिनंदन महाप्रभु का नाम लिए हैं, अगर एक बार महाप्रभु नित्यानंद का प्रेम में डूबो नवद्वीप धाम में जाओ। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं? गौर प्रेम रसा नवे सतरंग जेबा डूबे से राधा माधव अंतर। जो महाप्रभु का प्रेम में डूबेगा, गुरु जी कहते थे जो निर्दया घाट में स्नान करेगा अपने आप वो कैसी घाट में निकलेगा, अपने आप राधा कृष्ण का प्रेम मिल जाएगा। महाप्रभु को उपासना करो, नित्यानंद प्रभु को उपासना करो, उनको तो सखे रस में उपासना होती है। लेकिन सखे रस में तो उपासना करेंगे जब मिलेगा ना हमको ब्रज प्रेम, राधा कृष्ण का प्रेम अपने आप मिल जाएगा। इसलिए कहते हैं सबसे सरल उपाय है। इसलिए हमारे सिंहासन हरे कृष्णा खत्म कर दिया इसलिए हमारे श्री
लोचन दास ठाकुर कहते हैं बोले दयाल नीताय चैतन्य बोले दयाल नीताय चैतन्य बोले नाच रे अमर मान नाच रे अमर मान नाच रे अमर मान नाच रे अमर मान दयाल तनाई है मार के ये प्रेम दे अपराध दूरे जावे पावे प्रेम धन दयाल नीताय चैतन्य बोले नाच रे अमर मान दयाल नीताय चैतन्य बोले नाच रे अमर मान ओ ना में अपराध विचारत नहीं है ओ ना में अपराध विचारत नहीं है अपराध दूरे जावे पावे प्रेम दान अपराध दूरे जावे पावे प्रेम दान दयाल नीताय चैतन्य बोले नाचरे अमर मान दयाल नीताय चैतन्य बोले नाचरे अमर मान इसलिए लोचन दास ठाकुर कहते हैं हमारे जो मेरा जो मन है नित्यानंद और महाप्रभु का नाम बोले कर नाच उठे बोले क्यों बोले ऐसे दयाल से नाही मार रखे कृष्ण ने प्रेम दिया है लेकिन अगर थोड़ी सी उल्टा उल्टा किसी ने किया ना कृष्ण भी अघासुर बकासुर को नहीं छोड़े घुतना को नहीं छोड़े है हमने कालिया को नहीं छोड़े और जब मथुरा में गणेश उठाया उन्होंने चक्र भी उठाए और सारे जो धनुष भी उठाए थे सबको खत्म कर दिया जो उल्टा पुलटा की शिशुपाल दंत बकर को भी छका छोड़े दिए उन्होंने रामचंद्र भी किसी को छोड़े नहीं कुछ रावण ने सीता उठा कर लिया लंका समेत खत्म वो असली सीता नहीं वो नकली सीता थी पूरा के पूरा उन्होंने सीता को बहाना बनाए पूरा लंका को खत्म कर दिया राम ने लेकिन एक ही अवतार हुए श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार हुए उन्होंने मार खाकर कृष्ण राम को थोड़ी सी कुछ बोल दिए चक्र धनुष उठाए लेकिन यहाँ पर तो नित्यानंद प्रभु का सर फोड़ दिए माधाई ने हैं माधाई बोले मेरे ची कलेसी खाना ताई बोली की प्रेम दीवा ना भले ही तुमने सर फोड़ दिया इसलिए क्या तुमको प्रेम नहीं एक बार मेरे प्रभु श्री सच्चिदानंद गौर हरि का नाम ले लो बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम लो सारे अपराधों में माफ कर दो श्री इतने दयालु इतने कृपालु श्री महाप्रभु नित्यानंद प्रभु निर्विवाद विचार उन्होंने सबको हरे कृष्ण प्रसाद हरे कृष्ण प्रसाद लेकर इसलिए कहते इसलिए महाप्रभु बड़े दयालु नित्यानंद प्रभु दयालु बने इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भगवान की जो सर्वश्रेष्ठ जो क्या है रूप है भगवान कौन सा रूप है श्याम रूप ही सर्वश्रेष्ठ रूप है और उनको कहते उनका जो धाम में सर्वश्रेष्ठ जो धाम कौन सा धाम है श्री वृंदावन धाम है वृंदावन वृंदावन मतलब क्या बहुत सारे अर्थ है मूल है वृंदा मतलब तुलसी बना जहाँ पर तुलसी तुलसी सानन जत्र जत्र वृंदावन नीचे कृष्ण कहाँ पर यहाँ पर तुलसी वृक्ष अगर आप जो धर्म में तुलसी वृक्ष हो ना कृष्णा वो धर्म ही है इसलिए वृंदावन जहाँ तुलसी का बहन है एक अर्थ दूसरा है मूल वृंदा कौन है बोले राधा राय राधा जी का एक नाम वृंदा है इसलिए वृंदावन जी के राधा बहन है वृंदावन श्री राधा राय की बहन है और वृंदा मतलब वृंद अवन मतलब समूह जहाँ पर भक्त का समूह है जहाँ पर भक्त समूह है वृंदावन है बोले वृंदा अवनी मतलब भक्तों को जो अपना चरण में स्थान देती है जो वृंदावन भजन करने के लिए जाए जो वृंदावन धाम भक्तों को अपना स्थान देती है कहते श्री श्री वृंदावन धाम है वृंदावन धाम और राधा रानी क्या कहती है बोले आने हृदय मन मोर मन वृंदावन दूसरा का जो मन है वो मन ही है जहाँ पर उल्टा पुल्टा सब चीज घूमता हुआ हो राधा रानी यहाँ कहते हैं जो मेरे मन है मेरे मन वृंदावन इसलिए वृंदावन नहीं राधा रानी का हृदय ही ये वृंदावन राधा रानी स्वयं कृष्ण सेवा के लिए अपना हृदय को उन्होंने ये बिछा करके रखी है इसे वृंदावन धाम है इसलिए जितना पुरी में सर्वश्रेष्ठ पुरी क्या है मधुपुरी है कह
कई उपाध्याय फिर उसका आगे क्या बोलते हैं आगे सुने ठीक। अब कितना समय हो गया ना ठीक। नित्य वृंदावन बिहारी लाल की गौर ब्रह्मानंद बात आगे सुनो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण भले आली महे लागे वृंदावनानी को भले लागे वृंदावनानी को आली महे लागे वृंदावनानी को आली महे लागे वृंदावनानी को लागे वृंदावनानी को सखेली मोरे लागे वृंदावनानी को लागे वृंदावनानी को सखेली मोरे लागे वृंदावनानी को आली मोरे लागे वृंदावनानी को हरि हरि तुलसी ठाकुर सेवा हरि हरि तुलसी ठाकुर सेवा हरि हरि तुलसी ठाकुर पूजा हरि हरि ठाकुर पूजा ठाकुर पूजा दर्शन गोविंद जी को निर्मल नीर बहत यमुना 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 को बहत यमुना को भोजन दूध दही को आली मोहे लागे वृंदावनानी को आली मोहे लागे वृंदावनानी को रत्न सिंहासन आप विराजे रत्न सिंहासन आप विराजे I'm not a bad guy.
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे निताई गौर जय निताई गौर श्रीधर महाराज की जय।
वृंदाई तुलसीदेव प्रिया कृष्ण कृष्ण सत्यवती पंचा कृपा सिंधु वैष्णव नहीं नहीं इधर तो देखा ही नहीं आप तो कभी वृंदावन आए थे आपने अभी से मिला था आपने।